पैनरा में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ सुप्रीमो अजीत जोगी के मरवाही से लड़ने की लगभग पुष्टि हो गई है और ये बात खुद अजीत जोगी ने मरवाही के कई मतदाताओं को फोन करके कही है। विगत दो दिनों से अजीत जोगी मरवाही के लोगों को खुद फोन करके चुनाव लड़ने की जानकारी देते हुए समर्थन की अपील कर रहे हैं। जहाँ सामान्य मतदाता जोगी के फोन आने से खुश हैं, तो वही जोगी का फोन कई कांग्रेसी नेताओं को भी आया है। वहीं कांग्रेसियों ने जोगी की इस फोन की शिकायत डराने, धमकाने और प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग को करने जा रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश या अपन पूरे देश की बात करें, राजनीतिक जो बहुत ज्यादा माहिर और उनके एक बयान से पूरे देश और प्रदेश के अंदर समीकरण बदलते हैं। जोगी जी फोन कर रहे हैं, इसका कोई तथ्य तो है नहीं, न किसी प्रकार का कोई सबूत है, न मुझे जानकारी है, आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है कि जोगी जी ने फोन किया है। यदि अगर मान लीजिए ऐसी बात है तो ये स्पष्टीकरण चाह भी दे सकते हैं किस प्रकार से, मतलब क्यों फोन किया किसी को और क्या बात है। बाकी पूरे क्षेत्र में जोगी जी के नाम से एक एक मतदाता स्वयं के तैयार पाता है कि अजीत जोगी के बिना मरवाही का क्षेत्र अधूरा है और मरवाही में जोगी जी के नाम की घोषणा होते ही जोगी जी का जैसे ही बयान आया कि मरवाही में चुनाव लड़ूंगा, पूरे क्षेत्र में और जो जनप्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने के लिए गया था, सभी में खुशी की लहर है और जोगी जी को ही अपना जो है मुखिया चुनने के लिए आते रहे जनता। और उनके द्वारा बोला जाता है कि मैं मरवाही विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा और मेरे को सहयोग करो, तो मेरे पास भी फोन आया तो मैं बताया, मैं कहा हम लोग पार्टी से जुड़े हैं, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़े हैं। उसके बाद एक प्रश्न और किए कि इस मैं भी सकोला और कोटमी के आदिवासी हूँ, तो मैं कहा सरकारी और विदेशी आदिवासी को इस बार हमारा ये आदिवासी समाज और अनुसूचित क्षेत्र एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इस बार मूड बना ही लिए हैं कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए हम असली आदिवासी का स्थापित करेंगे ताकि रास्ता साफ हो जाए। और इस प्रकार से उनका फोन आया था और एक विषय पे और चर्चा किए।